अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। थैंक यू सो मच। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नीचे खाना बनाने आई हुई हूँ। ऊपर बहुत शदीद गर्मी है, किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो बच्चों की फरमाइश थी करेले की माँ और मसाले वाली भिंडी की, भिंडी गोश्त खाने की, तो फिर मैं नीचे आ गई। फिर नीचे बाजी भी हेल्प कर देती हैं, हम दोनों मिलकर कुकिंग कर लेती हैं। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ, ये है करेले की माँ, ये करेले फ्राई हो रहे हैं और ये मसाले वाली भिंडी है, इसको मैंने अभी फ्राई किया, फिर इसको मसाला बना के गोश्त में, तो फिर हम ये गोश्त को बेट लग रहा है तो फिर हम गोश्त में डाल देंगे। आपको पता है ये गर्मियों में खासकर ये ज़्यादातर भिंडी और करेले ही शौक से खाए जाते हैं, तो इसलिए आज बच्चों ने कहा कि मम्मा आज आप ये भिंडी गोश्त पकाएं और ये करेले की माँ बनाएं। मेरी कज़न की भी फरमाइश थी भिंडी गोश्त खाने की, तो उनके लिए भी बना रही हूँ। मैंने कहा चलो उनको भी भेज देंगे थोड़ी सी। देखिए चलिए, मैंने टमाटर वगैरह इसमें ड्राई कर लिए थे, क्योंकि अक्सर टमाटर खड़े रह जाते हैं ना, फिर बच्चे खड़े टमाटर निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, फिर मैं ड्राइन करके डालती हूँ हर चीज़। ये करेलों में जो ऊपर खिचड़ी होती है ये वो है, ये भी मैं डालूंगी करेलों में, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल करवाहट भी नहीं होती, कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनते। और आज मैं रोटियां बाजार से लगवाऊंगी क्योंकि शदीद गर्मी है, वरना मैं हमेशा घर पे ही रोटी वगैरह बना लेती हूँ। आटा मेरा गूंदा होता है हर वक्त फ्रिज में, तो घर पे ही अक्सर बनाती हूँ रोटी वगैरह, सुबह नाश्ता भी बहुत से कम ही मंगवाते हैं। मगर आज थोड़ी सी मेहनत वाला काम था, तो मैंने कहा आज आमिर से कहा है कि बाहर से आप रोटियां ले आना दोपहर में। आप हमारे चैनल को प्लीज़ कीमा मैंने पहले बॉईल कर लिया था, बॉईल करके मैंने कढ़ाई में डाला है, फिर उसमें मैंने बारीक प्याज काट के डाली है, नमक मिर्च हल्दी हसबे जायका अपने जायके के हिसाब से, टमाटर मैंने ग्राइंड करके डाली है इसमें। अब मैं इसको भून रही हूँ, एक तरफ ये करेले हो रहे हैं फ्राई, फिर जब इसका घी निकलाएगा तो मैं करेले डाल दूँगी इसमें, फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। जब ये पूरा कम्प्लीट होगा फिर भी मैं आपको दिखाऊँगी कि ये बन के फिर इसकी शक्ल किस तरह की हो जाएगी। आसान की पस्तौल टूट गई है आज, आसान अपनी पस्तौल ठीक करने में मसरूफ है। देखती हूँ आसान साहब हैं, आसान की भी आपसे बात करवा दूँ। अस्सलाम वालेकुम, कल मैं अपनी ये गर्ल आया हूँ, ये टूट गई है, मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आसान ये नहीं जुड़ेगी, इसको जाया कर दो फैन को। आसान अपनी गन लेके आया था न्यू, फिर टूट गई है, इसे अब जोड़ है, अब देखें जुड़ती है कि नहीं जुड़ती। इसको मैंने कहा इसको फेंक दो और अपनी गन ले आओ। अंदर किचन में खाना भी बन रहा है, साथ साथ मैंने कहा थोड़ी सी हवा भी ले लूँ, गर्मी बहुत शदीद है। जब इंशाल्लाह सारा कंप्लीट होगा खाना मैं आपको दिखाऊंगी जिस तरह मैंने आपको बताया था। इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ऊपर, फिर हम नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा दिन गुजार लेते हैं, फिर शाम में ऊपर चले जाएंगे, तो दुआ करें अल्लाह पाक थोड़ा सा गर्मी का जोर कम करे, बारिशें हो जाएं कुछ। मैं खाना देखती हूँ, ये जुड़ने की तो कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अब जुड़ती है कि नहीं।
ये ठीक है, नहीं तो फिर नहीं हो, नहीं लानी पड़ी थी। ये पिस्तौलों का बहुत ज्यादा शौक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पिस्तौल जोड़ लिया, कामयाब हो गई मैं पहली बार पिस्तौल के काम में। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा लिख दिया, ये फ्राई कर रहे हैं छिलड़ी, ये भी अब इसमें डाल देंगे तो फिर हमारे करेले तैयार हैं। इसको फिर मैं दम पे रख दूंगी। और ये देखिए भिंडियाँ, ये भी अब दम पे रखने लगी हैं, ये तैयार हैं। मसाले वाली भिंडी गोश्त में डाली हुई है, गोश्त में पक रही है ये भिंडी। इधर मैंने अब आटा निकाला है, आटा गूंदने लगी हूँ। बच्चे को बुलवाया है, वो फिर बाजार से रोटियाँ लगवा लेगा। मैंने कहा चले आटा भी गूंद के साथ ही तो बच्चे को दे दूँ पेड़े वगैरह बना के। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हैं, हमारी हौसला अफजाई भी होती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक शेयर जरूर किया करें, और आपको हमारी कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर बताया करें। असल इधर आओ, असल इधर आओ बेटा, आ जाओ। ये बच्चे को मैंने बुलाया है, मैंने कहा बेटे आप रोटियां लगवा लाना, ये आता है उधर दूसरी बाजी के घर, ऐसे करो सलाम करो, अच्छी आवाज में सलाम करो बेटा। हाँ ये बाजी के घर काम करता है, मेरे जो बड़ी नाम है उनके घर करता है, तो हमारे बच्चों की तरह ही है, हमने से अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है, तो फिर हम बहुत काम करते हैं, हमारे आ जाता है जब कोई जरूरत होती है, फिर हम इसको बुला लेते हैं, रोटी वगैरह लगवा जाता है, हमारे छोटे छोटे काम कर देता है। गर्मियों में ज्यादातर कुकिंग में नीचे ही करती हूँ, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन है ना तो वहां पे बहुत गर्मी होती है। सुबह सुबह बना लूँ तो खाना ठीक लगता है, नहीं तो फिर लेट हो जाए तो फिर गर्मी शदीद हो जाती है। आटा थोड़ा सख्त ही बनाऊं रखूंगी क्योंकि तंदूर पे जाना है ना। अम्मी आई हुई थी, मेरी अम्मी चली गई है, अम्मी को मैंने बहुत रोका है खाने पर, मगर अम्मी की फ्रेंड ने भी अम्मी की दावत की हुई है, अम्मी इसलिए चली गई है आज। कल अम्मी करेले लेके आई थी, कहने की हम बना लेना करेले, फिर आज की मैंने बना लिए करेले मेरे। ये हमने छिलड़ी डाल दी है करेलों की, बिल्कुल भी कड़वाहट वाले करेले नहीं बनते, बहुत मजे के जायकेदार बनते हैं, आप कभी जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं दम पे रख दूंगी ना, थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए और इसका घी निकल आए। रोटियां लगवा लो बेटा। ये हमारी अब भिंडी गोश्त भी तैयार है तकरीबन, आपके भी मुंह में पानी आता होगा सब व्यूअर्स के। गर्मियों की सौगात है ये, करेले हो गए, भिंडी हो गई, तो ठीक है इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। गर्मी बहुत है, देखें किचन में मेरा क्या हाल हो गया है, देखें। तो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।